Hello, my name is Nandini. I am an assistant professor from Commerce Department of Dayanand College, Hisar. In the previous video, we learned what is Tally, what are the fundamental basics of Tally.ERP9, and what is a computerized accounting system or a computerized accounting software. We also learned how to create company, how to create a group, how to create a ledger. Now in this video, we will be talking about voucher entry. So the basic step in accounting is a journal entry that we all know. A commerce student knows that the basic step is recording of transactions. And how do we record a transaction? We record a transaction in journal. But in computerized accounting, we create a voucher. ओके मैनुअल अकाउंटिंग में भी वाउचर क्रिएट करते हैं जर्नल एंट्री करने से पहले, बट टैली में ये जो वाउचर क्रिएट करना होता है यही एक जर्नल एंट्री का रिप्लेसमेंट होता है. तो वाउचर क्या है? एक एविडेंस है एक बिजनेस ट्रांजेक्शन होने का, एक डॉक्यूमेंट है जो प्रूफ है कि एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई थी. तो वाउचर को हम रिकॉर्ड करते हैं टैली में, तो उसके लिए हम एक वाउचर एंट्री पास करते हैं. टैली में तीन तरह के वाउचर्स हैं: अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स एंड पेरोल वाउचर्स. फर्दर ये तीनों वाउचर्स जो हैं वो कई अदर वाउचर्स में भी डिवाइडेड है. तो इस वीडियो में हम अकाउंटिंग वाउचर्स की बात करेंगे. अकाउंटिंग वाउचर्स वो हैं जो अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करने के काम आते हैं. तो वाउचर एंट्री हमें कैसे करनी है? सबसे पहले हम जाएंगे ट्रांजेक्शन्स में अकाउंटिंग वाउचर्स में. उसके लिए हम कौन सा की प्रेस करेंगे जो इस ऑपरेशन में बोल्ड लेटर है, एंड बोल्ड लेटर वी है, तो हम वी की प्रेस करेंगे. वी प्रेस किया हमने तो हमारे पास एक वाउचर क्रिएशन स्क्रीन खुल गई. देख सकते हैं आप लोग, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन है ये. ठीक है, ये कंपनी का नाम है और ये क्लोज करने के लिए एक शॉर्टकट की दी हुई है, कंट्रोल प्लस है. अब बाय डिफॉल्ट यहां पर हमारे पास पेमेंट वाउचर खुला है. ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर्स जो हैं वो फर्दर कितनी तरीके के हैं? देयर इज अ कॉन्ट्रा वाउचर, अ पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, परचेज वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, एंड देयर आर सम ऑप्शनल वाउचर्स आल्सो दैट आर रिवर्सिंग जर्नल एंड मेमोज. दे आर वेरी रेयरली यूज्ड in accounting. Okay, mostly these all above vouchers are used. So one by one hum study karenge ye kya kya vouchers hain. Sabse pehle hum inki shortcut keys dekh lete hain. Hum vouchers creation screen par hain. Voucher creation screen mein kya hoga, hum jaise hi open karenge by default wo voucher khulega jisme humne last entry ki thi. Abhi ye to company humne nayi nayi create ki hai, to isne seedha payment voucher khol diya. अगर हमें कॉन्ट्रा वाउचर खोलना है तो हम कौन सा की प्रेस करेंगे? F4. ठीक है, तो F4 की प्रेस करने से हमारे पास कॉन्ट्रा वाउचर क्रिएशन की स्क्रीन खुल गई. यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज अ कॉन्ट्रा वाउचर. वाउचर का नंबर हम फीड कर सकते हैं. ठीक है, उससे पहले हम स्टडी करते हैं वाउचर की कंफिगरेशन. कभी भी हमें वाउचर एंट्री पास करनी होती है तो उसमें कुछ बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं जिन्हें हमें चेंज करना पड़ता है अपनी नीड्स के हिसाब से. आपकी अगर नीड नहीं है तो आप चेंज नहीं भी करोगे. अभी आप जैसे एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हो तो आपको यहाँ नंबर डालने की और डेट डालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एंट्री करना सीखना है. बट कुछ और सेटिंग्स हैं जो आपको चेंज करनी पड़ेंगी, जे तो उसके लिए हम चेंजेस करने के लिए जाएंगे F12 कन्फिगर वाले ऑपरेशन. तो हमने की प्रेस की F12. ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन की एक स्क्रीन खुल गई है. अब ये पूछता है यहाँ पे हमसे कि क्या आपको डेट का फील्ड जो है वो स्किप करना है ताकि फास्टर एंट्री हो सके, तो हम इसको यस कर सकते हैं, तो ये डेट हमसे नहीं पूछेगा. ठीक है, उसके बाद ये हमसे पूछता है, चलो हम इसे यस कर देते हैं. उसके बाद ये हमसे पूछता है कि आपको सिंगल एंट्री मोड में काम करना है पेमेंट रिसीट और कॉन्ट्रा वाउचर्स में, यानी कि डेबिट तो अपने आप हो जाएगा या क्रेडिट तो अपने आप हो जाएगा. आपको या तो एक डेबिट की एंट्री करनी होगी या एक क्रेडिट की एंट्री करनी होगी, यानी सिंगल एंट्री मोड में काम होगा जैसे पेमेंट वाउचर की एंट्री करनी है.
तो जाहिर सी बात है कि पेमेंट कर रहे हो आप, कोई खर्चा है आपका जो आप पे कर रहे हो, जैसे आप रेंट पे कर रहे हो, तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही ना, एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अगर हम सिंगल एंट्री मोड में काम करेंगे तो ये सिर्फ हमसे डेबिट होने वाली चीज पूछेगा पेमेंट वाउचर में। इसी तरह रिसीट वाउचर में अगर हमें कुछ चीज रिसीव हुई है, कोई इनकम रिसीव हुई है, तो जाहिर सी बात है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट तो क्रेडिट हुआ ही होगा, ठीक है। तो ये हमसे सिर्फ सॉरी डेबिट तो हुआ ही होगा, तो ये हमसे सिर्फ क्रेडिट होने वाला एंट्री पूछेगा रिसीट वाउचर। इसी तरह कॉन्ट्रा वाउचर में ऊपर पूछ लेगा, ऊपर एक फील्ड में, कि आपने कहाँ से कहाँ पैसा ट्रांसफर किया है। इस तरह से सिंगल एंट्री मोड में काम चलेगा। डिटेल में थोड़ा पढ़ लेंगे अभी। तो अभी हम सिंगल एंट्री मोड में काम करना चाहते हैं, येस और नो, यहाँ पर हम बता देंगे। तो फिलहाल हम इसको नो रहने देते हैं, क्योंकि हम बेसिकली बचपन से, कॉमर्स के बचपन से हम लोग डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो कर रहे हैं, तो सिंगल एंट्री मोड नहीं करते हैं। बैंक एलोकेशन की डिटेल्स आपको करनी है या नहीं हर बार फील, तो इसको हम येस या नो, इसको नो रहने देते हैं, ठीक है। हम फास्टर एंट्री करेंगे तो उसके लिए हम बैंक एलोकेशन नहीं करेंगे, कि आपने कौन से बैंक से की है और वो अकाउंट नंबर और वो सब चीजें फीड करनी पड़ेंगी, वो सब रहने देते हैं। अब फिर वो पूछता है कि क्या आपको क्रेडिट डेबिट वर्ड्स यूज करने हैं टू और बाय की बजाय बजाय। तो वैसे हम बचपन से हमेशा टू और बाय यूज करते थे, बट हम डेबिट क्रेडिट भी यूज कर सकते हैं, तो इसको हम येस रहने देते हैं। कैश बैलेंस जब भी नेगेटिव होगा तो ये हमें एक वार्निंग दे देगा, इसको हम यस रहने देते हैं। आगे वो पूछता है कि आपको एम्प्लॉय की डिटेल्स शो करनी है या नहीं करनी है, इसको हम लोग भी नो कर देते हैं, क्योंकि अभी हम पेरोल वाउचर्स को एंटर कर नहीं रहे हैं और एम्प्लॉय की डिटेल्स से हमारा जो एंट्री का प्रोसीजर है वो थोड़ा स्लो भी हो जाएगा, तो हम एम्प्लॉय डिटेल्स को नो रहने देते हैं। क्या आपको करंट बैलेंस शो करना है हर लेजर के साथ, तो इसको हम यस रहने देते हैं। आपको बैलेंस के साथ वाउचर डेट बतानी है, मतलब वाउचर डेट पे क्या बैलेंस है वो आपको शो करना है, इसको हम यस कर देते हैं, हमें बैलेंस शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पूछता है कि आपको प्रिंट करना है चेक आफ्टर सेविंग वाउचर, जो भी आप वाउचर एंट्री करते हो उसके बाद चेक की प्रिंटिंग भी करनी है, तो इसको हम नो कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें चेक की प्रिंटिंग वगैरह का काम नहीं करना। ये हमसे पूछेगा अननेसेसरी डिटेल्स, उससे हमारा वाउच जो एंट्री का प्रोसीजर है वो स्लो हो जाएगा, तो इसको हम नो रहने देते हैं प्रिंट करना, प्रिंट चेक को। कंफर्म ईच चेक बिफोर प्रिंट, जब भी हम प्रिंट की कमांड देंगे किसी चेक की, तो क्या ये कंफर्म करे हमसे उस चेक की इंफॉर्मेशन, तो ये हम यस रहने देते हैं, वैसे हम प्रिंट की कमांड अभी देंगे नहीं। उसके बाद वो कहता है कि कैश की डिनोमिनेशन जो है, कि आपने जब कैश पे किया था तो 100 रुपए के नोट पे किए थे, या 1000 रुपए के तो होते नहीं, 500 रुपए के नोट पे किए थे, या 2000 का नोट पे किया था, तो आपने कितने नोट्स किस डिनोमिनेशन के पे किए थे, वो हमसे डिटेल्स ये कहेगा कि वो शो करनी है या नहीं करनी है, तो इसको हम नो रहने देते हैं, हमें ये सब डिटेल्स नहीं चाहिए, वरना ये हमसे मांगने बैठ जाएगा, तो हम इसको नो रहने देते हैं। उसके बाद बैंक एलोकेशन की कुछ कॉन्फ़िगरेशंस है, कि जब हम बैंक डिटेल्स डालते हैं तो वहां पर चेक की नंबरिंग कैसे होनी चाहिए, और बैंक की डिटेल्स जो है उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज आपको यूज करनी है या नहीं करनी, ये सब चीजें हम अभी नो रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हमने सेव कर लिया, हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई है फॉर कॉन्ट्रा वाउचर। अब हम एक कॉन्ट्रा एंट्री करके देखते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, सबसे पहले तो वो समझो, जब भी हम कैश से बैंक में ट्रांसफर करते हैं, या एक कैश अकाउंट से दूसरे कैश अकाउंट में, या एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, या हम बैंक से विड्रॉ करते हैं पैसा, तो जब इस तरह से बैंक और कैश में हेर फेर हो रहा होता है पैसे का, तो उसमें हम कॉन्ट्रा एंट्री का यूज करते हैं, उसके लिए हम टेली में कॉन्ट्रा वाउचर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेट इसने हमसे मांग ली है, अब ये कॉन्ट्रा वाउचर कॉन्ट्रा एंट्री करनी है हमें, फिलहाल तो हमारे पास कैश ही है, ठीक है। तो हमने कहा, जैसे एंट्री है कि हमने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में 5000 रुपए, तो फिलहाल हमारे पास कैश ही है, हमने कैश को क्रेडिट कर दिया, 5000 रुपए हमने कैश से निकाल लिए, ठीक है। वार्निंग दे रहा है क्योंकि अभी हमारे पास कैश में कोई बैलेंस था नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमने कैपिटल लगाई थी, याद है कल हमने एक एंट्री, मतलब तो पिछली वीडियो में हमने एक एंट्री की थी, कैपिटल हमने उसमें इन्वेस्ट की थी, उसका ओपनिंग बैलेंस ही दिखा दिया था हमने 5 लाख रुपए, वरना हम उसकी एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो हमारे कैश में कुछ बैलेंस होता 5 लाख रुपए, बट क्योंकि हमने सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शो कर दिया था तो हमारे कैश में बैलेंस नहीं आया उसका, ठीक है। तो फिलहाल हम 5000 रुपए
हम निकाल रहे हैं कैश में, तो ये हमें वॉर्न कर रहा है, कोई बात नहीं, 5,000 रुपए नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, फिलहाल हम एंट्री सीखते हैं। अब डेबिट किसको करना है हमें, हमने पैसा डिपॉजिट किया है 5,000 रुपए बैंक में, तो हमें यहाँ पे डेबिट करना है बैंक अकाउंट को, बट बैंक अकाउंट हमारे पास अभी क्रिएटेड ही नहीं है, तो हमें एक लेजर क्रिएट करना होगा। याद रखो, लेजर क्रिएट करने के लिए हम क्या करते थे, अकाउंट्स इन्फो में गए थे, वहां पर हम लेजर में गए थे, और वहां पर हम सिंगल लेजर में हमने क्रिएट किया था। अब जब तुम वाउचर क्रिएट कर रहे हो, तो क्या तुम बैठ जाके गेटवे ऑफ टेली में जाओगे और फिर लेजर क्रिएट करोगे, तो वो तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, एक शॉर्टकट की यूज करते हैं। शॉर्टकट की यूज हम करेंगे ऑल्ट प्लस सी। ठीक है, कोई भी टैली में क्या होता है, कुछ मास्टर्स होते हैं, ठीक है, मास्टर्स होते हैं, जैसे ग्रुप था वो एक मास्टर है, लेजर वो एक मास्टर है, ठीक है। इस तरह से अगर हम पेरोल इन्फो की बात करें, तो एम्प्लॉय का जो नाम है वो एक मास्टर है। अगर हम इन्वेंटरी इन्फो की बात करें, तो हमारे पास एक स्टॉक आइटम होगी, जैसे कि हमने लैपटॉप खरीदे, तो लैपटॉप हमारे पास एक स्टॉक आइटम है, वो एक मास्टर है। तो ये सब चीजें हम क्रिएट करते हैं। कोई भी मास्टर क्रिएट करना हो, उसके लिए शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस सी। तो हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ पर जहां हमें लेजर एंटर करना है ना, लेजर का नाम, यहाँ पर हम ऑल्ट सी दबाएंगे, तो हमारे पास सेकेंडरी लेजर क्रिएशन स्क्रीन खुल जाएगी। सेकेंडरी क्यों है ये, क्योंकि हमने ये सेकेंडरी तरीके से खोली है, शॉर्टकट की से खोली है, ठीक है। तो ये एक सेकेंडरी क्रिएशन स्क्रीन है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइमरी क्रिएशन हो या सेकेंडरी क्रिएशन हो, पर्पस तो दोनों ही उतना ही फुलफिल करेंगे। तो यहाँ हम नाम रखते हैं, हमारे पास नाम हो गया SBI अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लेजर का नाम हो गया। अब ये लेजर किस ग्रुप में आता है, ये लेजर आता है बैंक अकाउंट्स ग्रुप में, ठीक है। नॉर्मल बैंक अकाउंट है ये हमारा एक, और ये करंट एसेट है। फिर उसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम इसने अपने आप डाल दिया, दयानंद लिमिटेड, जो कि कंपनी का नाम है। फिर उसने हमसे अकाउंट नंबर पूछा, हम अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, अदरवाइज इन सब इंफॉर्मेशन को हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं, हमें इन सब इंफॉर्मेशन को पुट करने की अभी जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट कर लेंगे, वाई से हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये एंट्री हो गई है, यहाँ पर कैश क्रेडिट हो गया है और SBI अकाउंट डेबिट हो गया है। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि क्रेडिट पहले हो रहा है, डेबिट बाद में हो रहा है। मोस्टली टेली में क्रेडिट पहले होता है, डेबिट बाद में, तो ये इनकी मर्जी होती है ये कैसे खोलते हैं, ठीक है। तो उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ ध्यान रखोगे कि कैश क्रेडिट हो रहा है और SBI अकाउंट डेबिट हो रहा है। ये हमारी एंट्री हो गई है, वाउचर एंट्री। उसके बाद ये बैंक एलोकेशंस की डिटेल पूछता है, यहाँ पर इसने नरेशन मांगी है, हम नरेशन डाल सकते हैं, कैश डिपोजिट इन बैंक, ठीक है। ये हमने नरेशन डाल दी, वरना इसको भी हम स्किप करके और एक्सेप्ट कर लेंगे वाई प्रेस करके, ठीक है। तो ये हमारी एक कॉन्ट्रा एंट्री हो चुकी है। अभी हमसे दूसरी कॉन्ट्रा एंट्री मांग रहा है, बट वो हमें करने की अभी जरूरत नहीं है। हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं पेमेंट वाउचर में, ठीक है। अगला हम वाउचर खोलते हैं पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर ओपन करने के लिए हमें कौन सी की प्रेस करनी है, F5। F5 से हम पेमेंट वाउचर में आ गए हैं, ठीक है। तो अभी हम पेमेंट वाउचर में हैं। पेमेंट वाउचर की हम कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। चलो F12 की प्रेस करेंगे, F12, ठीक है। ये हमारे पास पेमेंट वाउचर के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन खुली है। क्या हमें डेट स्किप करनी है, इसीलिए वो पहले डेट पर गया नहीं, ठीक है, वो सीधा लेजर का अकाउंट मांगने लग गया था। तो हमने यहाँ पर, क्योंकि यस किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट यस है, इसको हम नो कर सकते हैं अगर हम डेट एंटर करना चाहते हैं, नहीं तो हम इसको यस रहने देंगे। क्या हमें सिंगल एंट्री मोड यूज करना है, इसको हम नो रहने देते हैं। क्या हमें बैंक एलोकेशन डिटेल्स शो करनी है, इसको हम नो रहने देते हैं। क्या हमें पेमेंट और रिसीट को एज कॉन्ट्रा वाउचर यूज करना है, इसको हम नो रहने देते हैं। क्रेडिट डेबिट यूज करना है इंस्टेड ऑफ टू बाय, इसको हम यस रहने देते हैं, या चलो इस बार हम इसको नो करके देखते हैं, हम टू और बाय में करते हैं। कैश बैलेंस नेगेटिव होगा तो वार्निंग चाहिए, हाँ चाहिए। बिल्स फॉर सिलेक्शन, बिल्स के बारे में डिटेल मांगेगा, इसको हम नो कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए बिल्स की डिटेल, ठीक है। शो बिल वाइज डिटेल्स, इसको हम नो कर देते हैं, फास्टर एंट्री करनी है, हम बिल की डिटेल्स नहीं डालेंगे। लेजर के करंट बैलेंसेस शो करने हैं, इसको हम यस रहने देते हैं, हमें करंटली जो भी बैलेंस है वो शो होता रहेगा।
चेक प्रिंट करना है, वही पुराने वाली इंफॉर्मेशन नो कर देते हैं, यस कर देते हैं। रेफरेंस नंबर डालना है पेमेंट वाउचर में, इसको हम यस कर देते हैं, तो ये हमसे पेमेंट वाउचर का नंबर मांगेगा। अगर वाउचर नंबर 16 कैरेक्टर से ज्यादा का होता है तो वार्निंग चाहिए, हाँ ठीक है इसको यस रहने देते हैं। फिर उसके बाद बैंक एलोकेशन की डिटेल होगी, ठीक है, ये सब चीजें भी हम मना कर देते हैं, हमें सिलेक्शन नहीं करना है, चेक रेंज वगैरह ये हमने सेव कर दिया। अब ये हमसे रेफरेंस नंबर मांग रहा है, ठीक है, पेमेंट वाउचर का ये नंबर मांग रहा है, तो मान लो हमारा पेमेंट वाउचर है 34 नंबर। फिर उसके बाद डेट आ गई है, अब हमें क्या करना है, पेमेंट एंट्री करनी है। तो बताओ पेमेंट एंट्री, मान लो हमें रेंट पे करना है, तो एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, पिछली वीडियो में क्रिएट किया था, रेंट अकाउंट हम बाय कर देंगे यानी डेबिट कर देंगे। अब पूछ रहा है कितना रेंट पे किया है, अमाउंट यहाँ पर डालनी है हमने, तो मान लो 9000 का रेंट पे किया है। टू टू क्या करेंगे, कैश या तुम्हारी मर्जी SBI अकाउंट, फिलहाल हम कैश कर देते हैं, 9000 रुपए हमने कैश पे कर दिया, ठीक है, नेगेटिव है, वार्निंग दे रहा है, कोई बात नहीं। नरेशन मांग रहा है, नरेशन लिख देंगे पेमेंट ऑफ रेंट, ठीक है, कोई भी नरेशन डाल दो या स्किप कर दो, एक्सेप्ट कर लिया, एक पेमेंट वाउचर की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक रिसीट वाउचर की एंट्री कर लेते हैं, उसके लिए हम F6 की प्रेस करेंगे, ठीक है, ये एक रिसीट वाउचर खुल गया, चलो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। ये रिसीट वाउचर है, क्या आपको डेट स्किप करनी है, ठीक है डेट स्किप कर लेते हैं। सिंगल एंट्री मोड यूज करना है, नो। बैंक एलोकेशन डिटेल्स शो करनी है, नो। रिसीट को एज कॉन्ट्रा वाउचर यूज करना है, नो। क्रेडिट डेबिट यूज करना है, नो। वार्निंग चाहिए कैश बैलेंस नेगेटिव होने पे, यस। बिल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहा है, इन सबको नो रहने देते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री डिटेल्स कोई बात नहीं, पड़ी रहे, उसके बाद कोई खास बात नहीं है, सारी वही पुरानी बातें हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई कॉन्फ़िगरेशन में, अब हमें क्या करना है, हमें एंट्री करनी है रिसीट की। तो अब यहाँ पर मान लो हमने रिसीव किया है कमीशन, ठीक है, तो कमीशन रिसीव किया है, तो हमें क्या करना होगा, ये पहले हमसे क्या कह रहा है, टू यानी के क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो यहाँ हमें एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम की दबाएंगे, ऑल्ट प्लस सी, ऑल्ट और सी दबाया हमने एक साथ, तो हमारे पास लेजर क्रिएशन की सेकेंडरी स्क्रीन खुल गई। अब हम यहाँ पर एक लेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट हो गया हमारा। अब ये किस तरह का अकाउंट है, कौन से ग्रुप में आएगा, ये एक इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है, हो सकता है डायरेक्ट इनकम भी हो, अगर हमारा बिजनेस ही यही है कमीशन कमाने वाला, तो वो हम डायरेक्ट इनकम में रख देंगे, फिलहाल हम इसको इनडायरेक्ट इनकम में रखते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूज क्या इससे अफेक्ट होंगी इनकम से, तो इसको हम नो रहने देते हैं। टाइप ऑफ लेजर और मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन हम एप्लीकेबल नहीं करते, बाकी डिटेल्स हैं, या तो एंटर एंटर करके इन्हें स्किप करते रहो, पुट करनी है तो पुट कर दो डिटेल्स, नहीं तो एक शॉर्टकट की है सारा इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करने का, Ctrl+A, सारी इंफॉर्मेशन आपको एक्सेप्ट करनी है, आप की प्रेस कर सकते हो Ctrl+A, यहाँ पर दिख रहा है एक्सेप्ट के आगे ए है विद सिंगल नहीं डबल अंडरलाइन, ठीक है, डबल अंडरलाइन है यहाँ पर ए के नीचे, तो ये कंट्रोल के साथ काम करेगा, तो यहाँ पर हमने Ctrl+A प्रेस किया तो एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर हमने लिखना है कितनी अमाउंट रिसीव हुई है कमीशन की, तो मान लो हमें 6000 रुपए रिसीव हुए हैं, ये हमने क्रेडिट कर दिया। अब ये कह रहा है बाय कैश में रिसीव हुआ है या बैंक में रिसीव हुआ है, तो चलो बैंक को कर देते हैं डेबिट, ठीक है, हमारे पास बैंक में आ गए 6000 रुपए, बाकी बैंक एलोकेशन डिटेल्स मांग रहा है, एंट्री की नरेशन डालनी है तो डाल दो, नहीं स्किप करके एक्सेप्ट कर लेंगे, यस, ठीक है। तो ये एक रिसीट वाउचर एंटर हो गया है। इसके बाद है हमारे पास जर्नल वाउचर, जिसके लिए कौन सी की है, F7, F7 प्रेस किया हमने, तो हमारे पास जर्नल वाउचर खुल गया। जर्नल वाउचर जो है वो हम कब यूज करते हैं, बेसिकली
जो ट्रांजेक्शन्स ना तो कॉन्ट्रा एंट्री होती हैं, ना वो पेमेंट होती है, ना रिसीट होती है, ना वो सेल्स होती है, ना वो परचेज होती है, तो उसे हम कहाँ डालते हैं? जर्नल वाउचर में। मतलब ये एक तरह से एक बचा खुचा सा वाउचर है, यानी ये एक रेजिडुअल वाउचर है, जहाँ कोई एंट्री फिक्स नहीं होती, जहाँ कोई एंट्री सूट नहीं करती, वो हम जर्नल वाउचर में एंटर कर देते हैं। बट बेसिकली हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ट्रांजेक्शन्स और किसी वाउचर में नहीं जा सकती, वो जर्नल वाउचर में जाएंगी। तो जर्नल वाउचर में हम डेप्रिसिएशन की एंट्री कर सकते हैं, ठीक है? डेप्रिसिएशन जो होता है एसेट्स पे, ना तो वो कोई पेमेंट होती है, ना वो कोई रिसीट होती है, ना सेल, ना परचेज, ना कॉन्ट्रा एंट्री, कुछ भी नहीं होता, उसको हम जर्नल में रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, हमारे पास कैपिटल कंट्रीब्यूशन की एंट्री होती है कि हमने कैपिटल लगाई है, वो हम जर्नल वाउचर में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन की जो एंट्री है, तो हम एक जर्नल वाउचर में एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन की, ठीक है? हमारे पास मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो अब ये सबसे पहले क्या पूछ रहा है? बाय, यानी कि डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो हम एक डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमने ऑल्ट सी प्रेस किया है, यहाँ नाम डालेंगे हम अपने अकाउंट का, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया नाम। उसके बाद ये कौन से ग्रुप में आता है, ठीक है? तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है? इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देते हैं। क्या इससे इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्ट होती है? नो कर देते हैं, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, पेरोल के लिए यूज नहीं करना, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन पुट नहीं करनी, एक्सेप्ट करेंगे यस से। वाई से डेप्रिसिएशन लगाते हैं हम मशीनरी पे 10,000 का, ठीक है? किस पे? मशीनरी अकाउंट पे, ठीक है? मशीनरी हमारी थी 3 लाख की, और अब इसका करंट बैलेंस हो गया 2,90,000। साथ साथ करंट बैलेंस दिख रहा है हमें, ठीक है? नरेशन डालनी है तो डाल दो, नहीं तो इसको सेव कर लेंगे, एक्सेप्ट वाई। तो ये हमारी एक जर्नल एंट्री हो गई है। अच्छा, जर्नल वाउचर्स की जरा कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। FNF 12, ठीक है? ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। डेट स्किप करनी है? हाँ करनी है। क्रेडिट डेबिट यूज करना है? नहीं करना। वार्निंग चाहिए? चाहिए। कलर? अच्छा, जर्नल वाउचर में कैश अकाउंट्स जो हैं वो कभी कभी डिसअलाउड भी होते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है? तो वो हम यहाँ पर यस कर देंगे, क्योंकि हमें कैश अकाउंट करना है एंटर जर्नल वाउचर में, ठीक है? तो कैश अकाउंट्स जो है जर्नल वाउचर्स में बाय डिफॉल्ट, जब आप एक नई कंपनी क्रिएट करोगे या टैली को नया नया इंस्टॉल करोगे, तो ये नो होगा, अलाउ कैश अकाउंट्स इन जर्नल वाउचर्स, ये नो होगा। इसको यस करना पड़ेगा, इसको यस करना पड़ेगा, तभी हम जर्नल में एक कैश अकाउंट एंटर कर पाएंगे। बैंक एलोकेशन की डिटेल्स, रेफरेंस नंबर्स, ये सब हम छोड़ देते हैं, ठीक है? बस कोई काम की इंफॉर्मेशन नहीं है। बाकी एक कैश अकाउंट की बात थी कि कैश अकाउंट जो है वो अलाउ करना पड़ता है जर्नल वाउचर में, ठीक है? तो चलो अब एक एंट्री हम कैश अकाउंट की कर लेते हैं कि हमने जो कैपिटल लगाई है वो हमने लगाई है, ठीक है, कैश में। तो हम क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट कितनी अमाउंट लगाई है? मान लो 2 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है? टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए। तो ये हमारी एक एंट्री होगी जर्नल में, ठीक है? हो गई है एंट्री। अब इसके बाद अगला वाउचर है सेल्स वाउचर। उसके लिए हम की प्रेस करेंगे F8। F8 की प्रेस की हमने, तो ये हमारे पास एक सेल्स वाउचर खुल गया है। चलो पहले हम सेल्स वाउचर की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री डिटेल्स चाहिए? नो कर देते हैं, वरना लॉन्ग हो जाएगा प्रोसेस। डिफॉल्ट नेम और एड्रेस पार्टी का प्रिंट करना है? नो कर देते हैं, हम वैसे भी अभी प्रिंट नहीं करने वाले कुछ। सेपरेट बायर और कंसाइनी नेम्स अलाउ करने हैं? हाँ कर लेते हैं अलाउ। एक ही सेल्स वाउचर में हम एक से ज्यादा बायर की एंट्री या एक से ज्यादा कंसाइनी की एंट्री कर पाएंगे, ठीक है? उसके बाद डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशंस, ठीक है, कोई बात नहीं। वाउचर नंबर एज बिल रेफरेंस नंबर आपको अगर पुट करना है तो ठीक है, कर देते हैं। एडिशनल डिस्क्रिप्शंस चाहिए लेजर नेम के लिए? कर देते हैं। वाउचर नंबर अगर 16 करेक्टर से एक्सीड हो जाए तो वार्निंग चाहिए? हाँ चाहिए।
यूज डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर बैंक डिटेल्स, इसको हम यस कर देते हैं। उसके बाद अदर ऑप्शंस हैं कुछ, टर्नओवर अगर अचीव हो जाता है आपका उस कस्टमर के साथ, ठीक है, तो आपको टर्नओवर कितना अचीव हुआ उस पर्टिकुलर कस्टमर के साथ वो शो करना है, इसको हम यस कर देते हैं। टर्नओवर अचीव भी दिखाता रहेगा ये हमें। अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग एंट्री, सभी फील्ड्स को आपको मॉडिफाई करना है, इसको यस करके देख लेते हैं, सारे फील्ड्स पे आ जाएगा हमारे पास। वार्न ऑन नेगेटिव स्टॉक बैलेंस, तो जब भी स्टॉक जो है हमारा, हम सेल्स कर रहे हैं, हमारे पास इनफ स्टॉक भी तो होना चाहिए ना, हम सेल की एंट्री कर रहे हैं, हमारे पास वो स्टॉक ही नहीं पड़ा, तो वार्निंग चाहिए हमें अगर नेगेटिव हो जाता है स्टॉक बैलेंस, तो इसको हम यस कर देते हैं। अब ये हमसे सारी चीजें पूछेगा, रेफरेंस नंबर पूछेगा, रेफरेंस नंबर डाल देंगे हम जो हमारा वाउचर नंबर होगा। उसके बाद वो कह रहा है कि अब आपने जो सेल्स की थी तो उसमें पार्टी का क्या अकाउंट, पार्टी का क्या नेम था, किसको आपने सेल किया। तो जब भी हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, उधार पे सेल करते हैं, तो हम अकाउंट डालते हैं, नाम डालते हैं उस कस्टमर का जो कि हमारा डेटर बन जाता है, अदरवाइज हम कैश अकाउंट में एंट्री करते हैं। तो अगर हमारी कैश सेल्स है तो पार्टी अकाउंट नेम में आ जाएगा, कैश या बैंक, जो भी आपकी मर्जी है, जैसे भी आपने पेमेंट रिसीव की, यानी आपने सेल्स जो है वो कैश में की है, क्रेडिट पे नहीं की, उधार पे नहीं की, उसी वक्त आपको पैसा मिल गया, चाहे कैश मिला हो चाहे बैंक में आया हो, तो हम यहाँ पर SBI अकाउंट कर देते हैं, ठीक है। अब टर्नओवर इसने बता दिया SBI अकाउंट का, यानी फिलहाल कितना बैलेंस है वो बता दिया उसने, वरना किस पार्टी का अकाउंट नेम होता तो यहाँ पर उसका टर्नओवर होता कि हम उस पर्सन को कितनी सेल कर चुके हैं अब तक, ठीक है, उसका बैलेंस दिख रहा होता। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रेडिट किसको करना है, ये तो हमने डेबिट कर दिया, पैसा आ गया हमारे पास बैंक में, क्रेडिट क्या करते हैं हम सेल की एंट्री में, सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ हमें एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, ऑल्ट सी से हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, सेल्स अकाउंट, ठीक है, ये हमारा सेल्स अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। किसके अंडर है ये इसका ग्रुप भी सेल्स अकाउंट्स है, ठीक है। उसके बाद इन्वेंटरी वैल्यू अफेक्ट होती है, हाँ होती है, और ये टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल कर देते, कंट्रोल ए से सेव करके हम बाहर आ गए। अब ये डिस्क्रिप्शन मांग रहा है लेजर की, इसको हम रहने देते हैं, सेल्स अकाउंट की वो डिस्क्रिप्शन मांग रहा है कि किस चीज की आपने सेल की है, वो सब इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद ये रेट पर नहीं आया, ठीक है, सीधा अमाउंट वाले कॉलम पे आ गया, ठीक है, क्योंकि हम जो एंट्री कर रहे हैं वो हम अकाउंटिंग इनवॉइस में कर रहे हैं। अब देखो दो मोड्स होते हैं सेल की एंट्री करने के, हम आइटम इनवॉइस की तरह कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया हुआ है, अगर आपको आइटम इनवॉइस की तरह करना है तो हम कौन सा की प्रेस करेंगे, आई के नीचे सिंगल अंडरलाइन है, यानी हम ऑल्ट आई प्रेस करेंगे, ऑल्ट आई प्रेस करेंगे तो हमारा जो वाउचर है वो एक तरह से थोड़ा डिफरेंट हो गया है, ठीक है, उसका जो हुलिया है वो बदल गया है। यहाँ पर हमारा सेल्स लेजर ये बोलेगा, सेल्स अकाउंट हम पुट कर देंगे। अब यहाँ पर आइटम का नाम डालेंगे हम जो हमने सेल की है, ठीक है, फिलहाल हमारे पास कोई आइटम क्रिएटेड नहीं है, हमें एक आइटम क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है, बट वो हमारी इन्वेंटरी वाले चैप्टर की बातें हैं सारी, फिलहाल हम एंट्री करेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस में। अब यहाँ हम नाम डालेंगे अपनी आइटम का, ठीक है, और उसके बाद जैसे मान लो मेरे पास ये आइटम क्रिएटेड है स्टैम्प्स, जो मैंने काफी पहले क्रिएट की थी, तो यहाँ पर यहाँ हमने स्टैम्प्स डाल दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास आइटम का नाम आ गया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज होती है, हम एंट्री कर सकते हैं एज वाउचर, एज वाउचर एंट्री अगर हम करते हैं तो उसके लिए हमें करना होता है की प्रेस कंट्रोल वी, वी के नीचे डबल अंडरलाइन है तो कंट्रोल वी, तो ये हमारी एंट्री हो रही है एज वाउचर, सेल की एंट्री एक जर्नल एंट्री की तरह हो रही है, ठीक है, अदरवाइज हम एज इनवॉइस भी एंट्री कर सकते हैं, उसके लिए वापस वही कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो ये इनवॉइस मोड में हो रहा है। तो वाउचर मोड में कर सकते हैं सेल्स की एंट्री या फिर इनवॉइस मोड में कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें भी अकाउंटिंग इनवॉइस की तरह भी कर सकते हैं और आइटम इनवॉइस की तरह भी कर सकते हैं, फिलहाल आइटम इनवॉइस की तरह चल रहा है, ऑल टाइप प्रेस करके हम वापस से अकाउंटिंग इनवॉइस की तरह आ गए अकाउंटिंग इनवॉइस की तरह, ठीक है। उसके बाद सेल्स अकाउंट्स हो गया, सेल्स अकाउंट की डिस्क्रिप्शन होगी, अब हमने कितने अमाउंट की सेल की है वो पूछ रहा है, इसको हम एज वाउचर करते हैं फिलहाल,
ठीक है। एसबीआई अकाउंट कितने की सेल की है आपने? आपने की है 40,000 की सेल, ठीक है। सेल्स अकाउंट में ये इसने हमसे मांगी इन्फॉर्मेशन, आइटम का नाम और वो सब, इन्वेंटरी एलोकेशन, ठीक है, वो हम अभी नहीं सेव कर रहे, ये हम 40,000 रुपए की सेल की रिकॉर्डिंग हो गई, ठीक है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। वाई ये हमारा सेल्स एंट्री हो गया बेसिक, वाउचर वाउचर की तरह एज वाउचर एंट्री हुई है अकाउंटिंग इनवॉइस में, ठीक है। चलो इसके बाद अब हम करते हैं परचेज की एंट्री, ठीक है। तो परचेज की एंट्री करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है F9, ठीक है। तो ये हमारे पास एक परचेज वाउचर खुल गया है। परचेज वाउचर की हम जरा कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, सप्लीमेंट्री डिटेल्स चाहिए कि नहीं, डिफॉल्ट नेम ऑफ पार्टी, ठीक है, वो प्रिंट करना है या नहीं, सेपरेट बायर अलाउ करने हैं या नहीं, लेजर को ग्रुप करना है या नहीं अंडर प्रोविजन, ठीक है, वो सब बातें हैं, इसको भी हम नो रहने देते हैं। बिल एलोकेशंस, एडिशनल डिस्क्रिप्शंस चाहिए या नहीं लेजर नेम की, तो इसको हम नो कर देते हैं, वो जो एडिशनल मांग रहा था ना नहीं डालनी हमें, ठीक है। उसके बाद बाकी कोई काम की बात नहीं है। टारगेट मतलब वो जो टर्नओवर है वो अलाउ मॉडिफिकेशंस ऑफ ऑल फील्ड्स, ये हम फिलहाल नो कर देते हैं। वॉन ऑन नेगेटिव स्टॉक बैलेंस, यस, ठीक है, ये सब चीजें हो गई हैं। अब यहाँ हम करेंगे एक परचेज की एंट्री। तो परचेज की एंट्री हम करते हैं एज वाउचर, एज वाउचर करनी है तो कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, ये हमारे पास एज वाउचर स्क्रीन खुल गई है। अब इसमें हमारे पास अकाउंटिंग इनवॉइस और आइटम इनवॉइस का कोई फर्क नहीं है क्योंकि इनवॉइस की तरह हम कर ही नहीं रहे, तो वाउचर की तरह कर रहे हैं तो उसमें अकाउंटिंग इनवॉइस या आइटम इनवॉइस का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो वाउचर की तरह करेंगे, यहाँ पर इनवॉइस का नंबर डालेंगे हम, मान लो 89 है, डेट। अब हमने परचेज की है तो क्रेडिट किसको करेंगे? पैसा गया होगा, ठीक है, तो क्रेडिट करेंगे कैश या बैंक को, या फिर कोई क्रेडिटर का नाम आ जाएगा जिससे हमने उधार पे परचेज की है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर हमने उधार में परचेज की है मोहन ट्रेडर से, तो हमें एक लेजर क्रिएट करना होगा जिसको हम क्रेडिट करेंगे, उस लेजर का नाम होगा मोहन ट्रेडर्स। कैसे आए हम इस लेजर क्रिएशन स्क्रीन पर? ऑल्ट सी प्रेस करके। अब ये जो मोहन ट्रेडर्स है ये क्या है? हमारा क्रेडिटर, तो हम इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। क्या आपको मेंटेन करना बैलेंस बिल बाय बिल? इसको हम नो रहने देते हैं। क्या इससे इन्वेंटरी वैल्यू अफेक्ट होती है? यस, ठीक है। और बाकी ये इंफॉर्मेशन मांग रहा है सप्लायर की, तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमसे आइटम का नाम पूछ रहा है, वो सब हम पुट नहीं करेंगे, हम वाउचर मोड में काम कर रहे हैं। मोहन ट्रेडर्स को हम क्रेडिट करेंगे जितने की हमने उससे परचेज की है, मान लो उससे हमने परचेज की है 30,000 की। अब यहाँ पर डेबिट किसको करेंगे? क्रेडिट करेंगे हम बैंक को जिससे हमने पे किया है, और डेबिट नहीं सॉरी क्रेडिट हम करेंगे मोहन ट्रेडर्स को ही, ठीक है, जिससे हमने उधार पे परचेज की है, और डेबिट हम किसको करेंगे? परचेजेस अकाउंट को। तो अब हम एक परचेजेस अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमने ऑल्ट प्लस सी की प्रेस करी, परचेजेस अकाउंट, और ये कौन से ग्रुप में होगा? इसका ग्रुप भी यही है, परचेज अकाउंट्स। क्या इससे इन्वेंटरी वैल्यू अफेक्ट होती है? हाँ होती है। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर वो हमसे आइटम का नाम पूछ रहा है, परचेजेस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 30,000 से, ओके। तो ये हमारी एंट्री हो गई परचेज की। अब यहाँ पर हमारे पास दो वाउचर नहीं खुल पाए, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। क्यों नहीं खुल पाए? क्योंकि हमने फीचर्स अभी में अभी उसको जाके इनेबल करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे F11, इन वाउचर्स को इनेबल करने के लिए हम करेंगे F11। उससे हम अकाउंटिंग फीचर्स पर आए हैं। अगर हमें इन्वेंटरी फीचर्स खोलने हैं तो हम F2 की प्रेस कर सकते हैं, F3 से स्टैट्यूटरी फीचर्स खुल जाएंगे, F4 से TSS फीचर्स,
F5 से ऑडिट फीचर्स, F6 से कुछ एड ऑन्स जो हमें परचेज करने पड़ते हैं कुछ फीचर्स वो सब। तो यहां हम करेंगे यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स को, यस ठीक है। क्या उन्हें इनवॉइस मोड में करना है? यस यस ठीक है, ये हमने यस कर दिया। इसको हम कंट्रोल ए से सेव कर देंगे सारी इंफॉर्मेशन को। तो अब देख सकते हो आप, हमारे पास क्रेडिट नोट इनेबल हो चुका है, डेबिट नोट इनेबल हो चुका है, ठीक है। अब ये बोल्ड हो गए हैं, मतलब पहले छुपे हुए थे, अब ये दिखने लग गए हैं। तो अब हम खोलेंगे क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर खोलने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है F8, बट इज इट रियली F8? इट हैज अ डबल अंडरलाइन बिलो, दैट मींस इट इज कंट्रोल प्लस F8। तो कंट्रोल प्लस F8 की प्रेस करके हमारे पास खुल गया है क्रेडिट नोट वाउचर, ठीक है। ये क्रेडिट नोट वाउचर है जिसको हम एज अ वाउचर एंटर कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, क्योंकि अभी हम इन्वेंटरी नहीं सीख रहे, तो हम इसको एज वाउचर ही एंटर करेंगे। यहाँ पर हमारे वाउचर का नाम आ जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले यूज स्टडी कर लेते हैं। क्रेडिट नोट वाउचर जो होता है वो होता है सेल्स रिटर्न्स को रिकॉर्ड करने के लिए। जब भी हम कुछ सेल करते हैं सामान और वो हमारे पास वापस आ जाता है ड्यू टू एनी रीजन, मान लो डिफॉल्ट था उस सामान में तो कस्टमर ने वापस कर दिया, तो सेल्स रिटर्न्स रिकॉर्ड करने के लिए हम एंट्री करते हैं क्रेडिट नोट वाउचर में। तो हमने यहाँ 90 वाउचर नंबर रखा और यहाँ हमने रिकॉर्ड करना है अपने सेल्स रिटर्न्स को। मान लो हमारी कैश की सेल्स थी, ठीक है, जिसको जो रिटर्न आ गई है, तो यहाँ हम एंट्री क्या करेंगे, सेल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा चला गया और सेल्स कम हो गई तो सेल अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो यहाँ हम क्रेडिट किसको करेंगे, कैश को। मान लो 9000 की सेल्स थी जो वापस आ गई गुड्स, ठीक है, और डेबिट किसको करेंगे, सेल्स अकाउंट को, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन हमने डाल दी, इसको सेव कर दिया। अब हम डेबिट नोट वाउचर की एंट्री करते हैं। डेबिट नोट वाउचर जो है वो यूज होता है परचेज रिटर्न्स को रिकॉर्ड करने के लिए। जब हमने कोई सामान खरीदा वो डिफॉल्ट था, उसमें सही नहीं आया सामान, हमारी पसंद का नहीं आया, या कोई भी और रीजन हो सकता है जिस वजह से हम उस परचेज को रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो हम एंट्री करेंगे डेबिट नोट वाउचर में। डेबिट नोट वाउचर में एंट्री करने के लिए हमें की प्रेस करनी है F9 विद कंट्रोल, कंट्रोल F9। तो ये हमारे पास डेबिट नोट वाउचर खुल गया है। डेबिट नोट वाउचर एंटर करने के लिए चलो पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री डिटेल्स चाहिए? नो। डेट को स्किप करना है? यस। बाकी सारी इंफॉर्मेशन कोई नई नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब हम इनवॉइस का नंबर डालेंगे। हमारे परचेज रिटर्न का जो इनवॉइस था उसका नंबर डाल दिया हमने। अब परचेज रिटर्न जो है, या तो वो जो मोहन ट्रेडर से आपने परचेज किया था वो आप रिटर्न कर रहे हो, तो आप मोहन ट्रेडर्स को डेबिट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ हम मोहन ट्रेडर्स को डेबिट कर देते हैं। कितने रुपए की परचेज वापिस की है हमने? 8000 की परचेज वापिस की है। और क्रेडिट किसको करेंगे? परचेजेस अकाउंट को, क्योंकि परचेजेस कम हो गई। वैसे ऑलरेडी परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, अब कम हो गई है तो क्रेडिट कर देंगे। हमारे पास एंट्री हो गई, इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए 70 के वाउचर्स। बेसिकली जो यूज होते हैं वो वाउचर्स हैं ये। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो वाउचर्स हैं उन्हें हम देखेंगे कहाँ से? अब ये जो हमने वाउचर रिकॉर्ड किए हैं इन्हें हम देख कैसे सकते हैं? देखने के लिए हमारे पास होती है रिपोर्ट्स। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपने रिकॉर्ड किया है, उससे जो रिजल्ट आया है, वो सब देखने के लिए हमारे पास रिपोर्ट्स होते हैं। रिपोर्ट्स में हमारे पास एक होता है ऑप्शन डिस्प्ले का, ठीक है। तो डिस्प्ले में जाएंगे हम डी प्रेस करके। उसके बाद है हमारे पास डे बुक, ठीक है। डे बुक के लिए हम दोबारा से डी प्रेस करेंगे और ये हम आ गए हमारे डे बुक में, जिसमें हमारे सारे वाउचर्स आ जाएंगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर डेट के, या फिर आप एक पीरियड सेट कर सकते हो, उस पर्टिकुलर पीरियड के सारे वाउचर्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। पीरियड चेंज करने के लिए आप क्या की प्रेस करोगे? ऑल्ट प्लस F2, ठीक है। यहाँ आप डेट चेंज कर सकते हो, ठीक है, और सिर्फ F2 करेंगे, ठीक है, तो हम डेट चेंज कर सकते हैं। ऑल्ट F2 करेंगे तो हम पीरियड चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
फिलहाल हम एजुकेशन मोड में काम करें तो डेट हम ज्यादा चेंज कर नहीं सकते। तो ये हमारे पास हो गया डे बुक, इसमें हमारे सारे वाउचर्स हैं जो हमने किए हैं आज रिकॉल, वन टू ऑल एवरीथिंग। कोई वाउचर अगर हमने गलत एंटर कर दिया था तो उसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, उस पर्टिकुलर वाउचर को ओपन करेंगे और उसमें हम चेंजेस करेंगे और उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करने के लिए या तो शॉर्टकट की दबा देंगे कंट्रोल प्लस ए, या फिर हम एंटर एंटर करके एंड तक आ जाएंगे और फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। यस वाई, आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी वाउचर एंटर करने की। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।